गुड इवनिंग क्लास 12। आज हम बात करेंगे वर्नर थ्योरी की। और एक चीज और, आपके इस चैप्टर से स्टीरियो आइसोमेरिज्म हट गया है। टॉपिक एक हटा है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म एक हटा है, एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन एनालिटिकल केमिस्ट्री। सही है, तो वो टॉपिक मैं बिल्कुल एंड में लूंगा। सही है, तो अभी मैं आता हूं आपकी वर्नर थ्योरी पर। तो वर्नर थ्योरी क्या है? वर्नर थ्योरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की सबसे बेसिक थ्योरी, मतलब सबसे पहली जो थ्योरी दी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड, उसको हम बोलते हैं वर्नर थ्योरी। अब वर्नर थ्योरी बहुत सिंपल सी है, मैं वैसे रीड ही कर देता हूँ कि बहुत ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो सब कुछ, ये प्रीवियस 3 लेक्चर्स या 4 लेक्चर्स में ये ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है, तो इसमें टाइम ज्यादा हमने नहीं मिला। थ्योरी बोलती है कि मेटल शो प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी बॉन्ड। आपकी जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, कॉम्प्लेक्स का जो सेंट्रल मेटल एटम होता है वो प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों शो करता है ना। अब क्या बोल रहा है, प्राइमरी वैलेंसी होती है आयोनाइजेबल काउंटर आयन। जैसे मैंने एक फॉर्मूला लिखा, जैसे मैं यहां लिखता हूं आपको K4Fe(CN)6 ये लिखा बेटा मैंने, तो ये जो है ये है आपकी प्राइमरी वैलेंसी। क्लियर, तो प्राइमरी वैलेंसी कौन है? इस कॉम्प्लेक्स के बाहर जो भी आयन है, चाहे वो कैटायन हो चाहे वो एनायन हो, यहां उसको हम बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी। और प्राइमरी वैलेंसी हमेशा क्या होती है? आयोनाइजेबल। तो आयोनाइजेबल काउंटर आयन के नंबर्स को हम बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी। तो इसकी प्राइमरी वैलेंसी कितनी हो गई? 4। दूसरा, सेकेंडरी वैलेंसी होती है इक्वल टू कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब जैसे आयरन ने कितने बनाए? 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए साइनाइड के साथ। तो आपसे अगर पूछता है आयरन की सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हुई, तो आप बोलोगे 6। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के नंबर को ही हम बोलते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज नॉन आयोनाइजेबल, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड कभी भी आयोनाइज नहीं होता है। इसलिए हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड नॉन आयोनाइजेबल। नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड सेकेंडरी वैलेंसी होती है और ये नॉन आयोनाइजेबल होते हैं। 4th पॉइंट इज का लिगेंड्स अरेंज अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम एंड फॉर्म कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा एंड डेफिनेट शेप। लिगेंड सेंट्रल मेटल के अराउंड ऑफ अरेंज होकर एक स्पेसिफिक शेप देते हैं कॉम्प्लेक्स को। अब वो शेप टेट्राहेड्रल हो सकता है, वो शेप आपका ऑक्टाहेड्रल हो सकता है, वो शेप आपका स्क्वायर बाय पिरामिडल हो सकता है, वो शेप आपका ट्रायंगल प्लेनर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो ये पॉइंट्स हैं आपके वर्नर थ्योरी के 4 बेसिक पॉइंट्स हैं। एक दो और ऐड करना चाहो आप कर सकते हो, लिगेंड वगैरह ये सब। तो मेन ये 4 पॉइंट्स हैं। एक्सेप्शन क्या, सॉरी इसके लिमिटेशंस क्या है? लिमिटेशन है व्हाई सम एलिमेंट्स फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये थ्योरी हमें ये पॉइंट नहीं बताती कि कुछ एलिमेंट्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्यों बनाते हैं। भाई आज तो हमें पता है क्यों बनाते हैं, क्योंकि अगर किसी के पास लॉन पेयर है या किसी के पास आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है या किसी के पास नेगेटिव चार्ज है, ऑक्टेट पर होने के बाद भी इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता हो, तो वो लॉन पेयर क्या करते हैं? जनरली कोऑर्डिनेट बॉन्ड जनरेट करते हैं। अभी हमें पता है अगर किसी के पास लॉन पेयर प्रेजेंट हो तो वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। क्यों बना सकता है? सामने वाले एटम के ऑक्टेट को पूरा करने के लिए। लेकिन इसको पता नहीं था व्हाई सम एलिमेंट्स फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कुछ ही एलिमेंट क्यों बनाते हैं? जैसे सोडियम कैन नॉट फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड, पोटेशियम कैन नॉट फॉर्म, मेटल्स कैन नॉट फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड, स्पेशली वो मेटल्स जिनके पास वैकेंट बी ऑर्बिटल नहीं। व्हाई डज कॉम्प्लेक्स कैरी स्पेसिफिक शेप, किसी कॉम्प्लेक्स का स्पेसिफिक शेप क्यों होता है? वो तो आप जानते हो, लेवल में पढ़ के आ रहे हो। मीथेन का शेप टेट्राहेड्रल क्यों है? क्यों है? मॉलिक्यूल का शेप हमेशा उस कंडीशन को फॉलो करता है जिस कंडीशन में उसका इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन मिनिमम हो। जैसे आपसे पूछ ले कभी भूले भटके मीथेन का शेप टेट्राहेड्रल क्यों है, तो आप क्या बोलोगे? मीथेन इज टेट्राहेड्रल बिकॉज इन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इज मिनिमम। क्लियर, व्हाई डज कॉम्प्लेक्स शो ऑप्टिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, कॉम्प्लेक्स की ऑप्टिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्यों होती है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का मतलब है वो डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक क्यों होता है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज का मतलब है उसका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, वो लास्ट में देखेंगे हम ना। तो ये सारे पॉइंट्स हैं वर्नर थ्योरी के और ये इसकी लिमिटेशंस हैं।
आज तक एक भी चीज नहीं है। क्या है आज तक? इसमें से पूछा है प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी, तो ये ध्यान रखना बेटा, है ना। देखिए बेटा, नेक्स्ट थ्योरी आपकी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इस चैप्टर की जो जान है दो थ्योरी, एक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और एक क्रिस्टल फील्ड थ्योरी CFT, यही है चैप्टर है। अभी तक तो आपने चैप्टर का बिल्कुल नॉमेनक्लेचर वगैरह ही पढ़ा है, असली जो दम है वो वीबी थ्योरी में और CFT में। तो वीबी थ्योरी के पॉइंट्स बता रहा हूं, पॉइंट्स कोई पूछेगा नहीं आप, तो फिर भी देखिए। वीबी थ्योरी बोलती है आपका सेंट्रल मेटल एटम लिगेंड के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करता है, और सेंट्रल मेटल एटम जब बॉन्ड फॉर्म करता है लिगेंड के साथ तो अपने इन ऑर्बिटल्स को यूज करता है, या तो यूज करेगा N-1d NsNp ऑर्बिटल या यूज करेगा NsNpNd ऑर्बिटल। ध्यान से सुन लेना मेरी बात, जब आपका सेंट्रल मेटल एटम बॉन्ड बनाएगा लिगेंड के साथ तो दो कंडीशंस क्रिएट कर सकता है, या तो यूज करेगा अंदर वाला d ऑर्बिटल N-1d NsNp। जैसे मैंने बोला, अगर ये 4p है और ये 4s है तो ये कौन सा ऑर्बिटल यूज करेगा? 3d अंदर वाला, क्लियर। तो अगर वो N-1d ns और np यूज करता है, या तो ये कंडीशन है, या यूज करेगा NsNpNd, मतलब या वो यूज करेगा 4s 4p और ये 4d, सही है? देखा है आप सबको, ध्यान से देखिए, या वो यूज करेगा 4s 4p एंड 4d। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही जान है इस थ्योरी के। देखिए, अगर कोई सेंट्रल मेटल एटम N-1d वाली कंडीशन यूज करता है, ये वाली, और उससे जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनता है उसे हम बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। मतलब अगर किसी सेंट्रल मेटल एटम ने अपना अंदर वाला N-1d ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज करा तो उससे जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड फॉर्म होगा उसको बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। टू टाइप की कंडीशन आपके सिलेबस में है, एक तो है DsP2 और एक है D2sp3। DsP2 का जो शेप है वो होता है स्क्वायर प्लेनर, और कितने बॉन्ड बनते हैं यहां? बॉन्ड बनते हैं 4 बॉन्ड। पहले ही पढ़ाया मैंने आपको कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। तो DsP2 का शेप क्या है? स्क्वायर प्लेनर, एंड बॉन्ड कितने बनते हैं? 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या ध्यान रखना है सबसे मेन? 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। D2sp3 का शेप होता है ऑक्टाहेड्रल और बॉन्ड बनते हैं टोटल 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये कब होगा? जब वो N-1d वाला यूज करेगा। लेकिन अगर उस मेटल ने एनडी ऑर्बिटल यूज करा, मतलब ये कंडीशंस यूज करे, इस तरह की कंडीशंस, तो इससे जो कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बनेगा उसको हम बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इसकी कंडीशन भी दो होती है, या तो होगा sp3d2, बाहर वाला आ गया ना, डी देख लीजिए, डी बाहर आ गया, ये डी कहां था आपका? अंदर था भाई। अगेन 6 बॉन्ड फॉर्म होंगे, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल, तो यहां ज्योमेट्री सेम है ऑक्टाहेड्रल, या बनाएगा sp3। sp3 में ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल, क्लियर। तो आपको ध्यान ये रखना है ओवरऑल सबसे मेन बात वीबी थ्योरी में, कि अगर N-1 वाला ऑर्बिटल यूज हुआ तो टू टाइप के केस पॉसिबल है। 4 बॉन्ड वाला केस DsP2, 6 बॉन्ड वाला केस D2sp3, सही। अगर बाहर वाला डी ऑर्बिटल यूज हुआ तो टू केस पॉसिबल है, 6 बॉन्ड वाला केस sp3d2 और 4 बॉन्ड वाला केस sp3, क्लियर है। तो ये 3 पॉइंट्स है इसके। 4 पॉइंट क्या बोलता है? अगर आपके कॉम्प्लेक्स के डी ऑर्बिटल में अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो सब मैं करके दिखाऊंगा आपको, ये जो पढ़ रहे हो ना, ये सब ये प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा बोर्ड पर, ये रटने की जरूरत पड़ेगी नहीं आपको। ये अभी ऐसा लग रहा है कि सर क्या अजीब अजीब है, कोई बिल्कुल अजीब नहीं है, सब करके दिखाऊंगा। अगर आपके डी ऑर्बिटल में, मेटल के डी ऑर्बिटल्स में अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसका नेचर होता है पैरामैग्नेटिक, मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्शन करने वाला, और सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तो आप क्या बोलोगे? डायमैग्नेटिक। तो यह है आपकी वैलेंस बॉन्ड थे।
थ्योरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आपको करनी है आपके नोट्स में, सही है? देखिए देखिए क्वेश्चन आता है सबसे बड़ा हमारे माइंड में, क्वेश्चन क्या आता है, हमें कैसे पता लगे कि कब बनेगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और कब बनेगा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। मतलब हमें कैसे पता लगे कि मेटल कब यूज करेगा एन माइनस वन डी ऑर्बिटल, कब यूज करेगा एन डी ऑर्बिटल, मतलब मेटल कब यूज करेगा अंदर वाला डी ऑर्बिटल और कब यूज करेगा बाहर वाला डी ऑर्बिटल बॉन्ड बनाने के लिए। तो यहां एक ट्रिक है, देखिए यहां हमें क्या करना है, हमें इस चैप्टर के 10 पेज आगे जाना है, 10 पेज आगे जाना है। आपको एक थ्योरी लिखी हुई है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, तो उसका कॉन्सेप्ट मैं समझा रहा हूं स्पेशली। तो एक लाइन अगर हमें क्लियर हो गई तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आने वाली, यू कैन इजीली फाइंड आउट कब बनेगा एन माइनस वन डी वाला और कब बनेगा एन डी वाला। तो देखिए एक और चीज, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बनाना नहीं आता है और लेजीनेस की वजह से आपने नहीं सीखा है तो 20 से लेकर 30 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बनाना सीख लीजिए, समझ लीजिए मेरी बात, 20 से लेकर 30 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बनाने की प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर नहीं आता है तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन का वीडियो भी शेयर करा था आपको व्हाट्सएप ग्रुप में, फिर भी नहीं आता है तो मुझे मैसेज कर लीजिए पर्सनली, मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बनाने का वीडियो भेज दूंगा क्लास 11th का, है ना। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज आपके पास क्रोमियम प्लस 3 आए हैं, गॉट इट, और आपको 6 लिगेंड के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना है। सुनना बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, आपके पास सीआर प्लस 3 आए हैं और आपको 6 लिगेंड के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना है। टू टाइप के लिगेंड्स होते हैं एडवांस थ्योरीज के अकॉर्डिंग, एक होते हैं वीक फील्ड लिगेंड और एक होते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अब ये क्या होते हैं बताऊंगा मैं आगे सीएफटी थ्योरी में। तो टू टाइप के लिगेंड्स होते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग, एक वीक फील्ड वाले लिगेंड और एक स्ट्रॉन्ग फील्ड वाले लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अंदर वाला डी ऑर्बिटल यूज करते हैं और वीक फील्ड लिगेंड बाहर वाला डी ऑर्बिटल यूज करते हैं। ये ब्रह्मास्त्र है पूरा इस चैप्टर का, ये आपके जेई में काम आएगा, जितने भी तगड़े तगड़े कॉम्पिटिशन है ये काम आएगा, ब्रह्मास्त्र बता रहा हूं ये चीज आपको। जितने भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड है वो सब अंदर वाला डी ऑर्बिटल यूज करवाते हैं मेटल को, और जितने भी वीक लिगेंड है वो बाहर वाला डी ऑर्बिटल यूज कराते हैं मेटल को। कैसे पता लगे कौन लिगेंड स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है बताऊंगा अभी थोड़ी देर के बाद। देखिए सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखना आना चाहिए, क्यों, क्योंकि वीबी थ्योरी पर आपका 3 मार्क का क्वेश्चन आता है और हर साल आता है, वो रुकता नहीं है, हर साल आ ही रहा है कंटिन्यूस, क्योंकि उसमें देने के लिए यही टॉपिक है। तो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बनाना है, जैसे क्रोमियम प्लस 3 का बनाना है। तो दो काम ध्यान रखना, जब भी आपको किसी कैटायन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बनाना है तो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बनाना है न्यूट्रल एटम का। तो न्यूट्रल एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है क्रोमियम का, तो उनका 24 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 25 4s1 याद है 3d5 4s1 क्लियर। क्लास 11th में आपने एक चीज पढ़ी थी, आपने पढ़ा था कि 4s ऑर्बिटल 3d से पहले फिल होता है, याद कर लीजिए क्लास 11th में, ये 4s और ये 3d, 3d बाद में आता है ना, ये क्लास 11 में पढ़ कर आ रहा है। देखिए तो जब हम 24 को भरते हैं तो हम क्या लिखते हैं 4s2 3d4, बट होता क्या है क्रोमियम अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है और क्या बना देता है 4s1 3d5, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको सिक्वेंस में लिखना है, होता तो ऐसे ही है 1s2s2b 3s3b 4s3d ये, बट यहां क्या लिखना है, यहां लिखना है आपको प्रॉपर सिक्वेंस में। तो क्या लिखोगे कन्वीनियंसी के अकॉर्डिंग, आप लिखोगे 3d को आगे और 4s को पीछे, ये बन गया क्रोमियम। अब करना क्या है प्लस 3 बनाना है तो आपको 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। तो 3 कैसे निकालोगे, 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा यहां से और 2 निकलेगा यहां से, तो क्या बन जाएगा 3d3
फोर एस जीरो थ्री ये। अब देखिए दूसरी चीज, जब भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हमेशा वैकेंट ऑर्बिटल में बनता है, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, लिगेंड अपने टू इलेक्ट्रॉन्स देता है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कौन बनाएगा, वैकेंट ऑर्बिटल। अब देखिए आपके पास सिक्स लिगेंड है, ये एल वन एल टू एल थ्री एल फोर एल फाइव एल सिक्स, ध्यान से देखिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। अगर ये लिगेंड स्ट्रांग है तो सिक्स ऑर्बिटल चाहिए इसको वैकेंट, तो अंदर वाला डी यूज करेगा, कौन सा डी यूज करेगा, एन माइनस वन डी यूज करेगा, यहां से स्टार्ट करेगा ये। और सिक्स अगर लिगेंड स्ट्रांग वाले हैं तो सिक्स बॉन्ड में क्या बनेगा, डी टू एस पी थ्री, अंदर वाला डी। तो आपको क्या चाहिए, अंदर वाले डी के टू वैकेंट ऑर्बिटल, एक एस का वैकेंट ऑर्बिटल और पी के थ्री वैकेंट ऑर्बिटल। तो अब देखो यहां अंदर वाले डी में थ्री डी में ये टू वैकेंट है, वन टू, एस का वन वैकेंट देख लो, पी के थ्री वैकेंट, तो बॉन्ड कहां बनेगा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, क्लियर है। तो बॉन्ड कहां बना आपका, थ्री डी के टू ऑर्बिटल में, एस का वन ऑर्बिटल और पी के थ्री ऑर्बिटल। कब बनेगा ये, अगर ये लिगेंड स्ट्रांग है, लेकिन अगर ये लिगेंड वीक है, अगर ये लिगेंड वीक है आपका, तो n माइनस वन यूज नहीं होगा, क्या यूज होगा आपका, आपका यूज होगा एन डी ऑर्बिटल, और एन डी ऑर्बिटल यूज होगा तो डी टू एस पी थ्री नहीं आएगा, क्या आएगा बेटा, ये आएगा एस पी थ्री डी टू। तो बॉन्ड बनाना कहां से स्टार्ट करना है, एस ऑर्बिटल से, तो ये दोनों ऑर्बिटल यूज नहीं होंगे, एसपी थ्री डी टू। अब किसी को ये दिक्कत तो नहीं है कि एसपी थ्री डी टू क्यों लिखा मैंने, वो इसमें लिखा सिक्स बॉन्ड बने और सिक्स बॉन्ड में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, एसपी थ्री डी टू। अब अगर एसपी थ्री डी टू में सिक्स बॉन्ड बनाने तो आपको ये अंदर वाले डी ऑर्बिटल यूज नहीं करने, आप यूज क्या करोगे, एस का वन पी के थ्री और बाहर वाले डी के टू, सही। इस तरीके से हम पहचानते हैं कंडीशंस को, अगर स्ट्रांग वाला है तो अंदर वाले डी यूज करना, वीक वाला है तो बाहर वाले डी यूज करना, सही है। अब बोलोगे सर आपने फोर एस जीरो फोर पी जीरो फोर डी जीरो क्यों लिखा, तो वो इसमें लिखा क्योंकि आपके पास न्यूट्रल स्टेट में आपने क्या लिखा था, थ्री डी फाइव फोर एस वन न्यूट्रल, और अगर इसके पास फोर एस ऑर्बिटल है तो फोर पी भी होगा फोर डी भी होगा, चाहे वो वैकेंट भी हो, क्लियर। और बाद में आपने प्लस थ्री के लिए क्या लिखा, थ्री डी थ्री फोर एस जीरो, क्लियर है। तो ये बेसिक आइडिया मैंने बताया आपको कि कब बनेगा इनर कब बनेगा आउटर, गॉट इट। तो ये टॉपिक है आज का, और जाते जाते मैं आपको लिगेंड्स बता देता हूं, कौन से लिगेंड्स इनर बनाएंगे कौन से लिगेंड्स आउटर बनाएंगे, देख लीजिए लास्ट आज का टॉपिक। ये देखिए क्वेश्चन आता है, हमें कैसे पता लगेगा कौन सा लिगेंड स्ट्रांग है कौन सा लिगेंड वीक है, तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बोलती है अगर हम लिगेंड को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ में अरेंज करें, फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी वो अगली थ्योरी में आएगा आपका, अगर हम लिगेंड्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ में अरेंज करें तो जो सीरीज बनती है उस सीरीज को बोलते हैं लिगेंड सीरीज। अब देखिए आयोडीन से स्टार्ट होगा, आप आ गए सीओ पर, वाटर से पहले के सारे लिगेंड वो वीक होंगे, वाटर के पहले के सारे लिगेंड वीक हैं और वाटर के बाद के सारे लिगेंड स्ट्रांग हैं। एनसीएस आइसोथायोसाइनाइड ईडीटीए माइनस फोर अमोनिया इथाइलिन डायमाइन साइनाइड सीओ। अब इंपॉर्टेंट कौन कौन से आते हैं एग्जामिनेशन में, ये इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा पूछेगा ये। तो कॉन्सेप्ट ये है, आप स्ट्रांग को ध्यान रख लो, उसको छोड़ के सब वीक है समझ लो। तो कौन कौन है, कार्बन मोनोऑक्साइड साइनाइड इथाइलिन डायमाइन अमोनिया एनसीएस ईडीटीए माइनस फोर। वाटर पर अभी रिसर्च चल रहा है, अभी भी वाटर कभी होगा लिगेंड वीक लिगेंड और कभी होगा स्ट्रांग लिगेंड, तो मैंने बिल्कुल बीच में से लाइन डाला है, सही है। तो डिपेंड करेगा सिचुएशन के ऊपर, लेकिन ये जो चीज बताई है मुझे, ये भी आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर ने बताई है, आपके किसी रिफ्रेशर में
किसी आपकी एनसीईआरटी बुक में ये नहीं लिखा है कि कौन सा वीक है कौन सा स्ट्रांग है। इवन आज तक पता नहीं है कौन सा लिगेंड वीक होता है कौन सा लिगेंड स्ट्रांग होता है। मैंने लेक्चर अटेंड करा था 2014 में आईआईटी बॉम्बे, 12 डेज का कोर्स था मेरा केमिस्ट्री के ऊपर। तब हम लोगों ने इनसे क्वेश्चन पूछा था जिसने चैप्टर लिखा है एसोसिएशन में कि हमें कैसे पता लगे। उन्होंने बोला आज तक कोई बाउंड्री नहीं है ऐसी कैसे पता लग जाए कौन वीक है कौन स्ट्रांग है। लेकिन 99.99% केस में वाटर के राइट हैंड साइड वालों को हम बोलते हैं स्ट्रांग और वाटर के लेफ्ट हैंड साइड वालों को सबको हम बोलते हैं वीक लिगेंड। तो सबसे मेरा एडवाइस ये है स्ट्रांग याद रख लीजिए, बाकी बचे सब क्या है वीक है। तो स्ट्रांग में कौन कौन है, मेन अमोनिया, इथाइलिन डायमाइन, कार्बन ऑक्साइड एंड साइनाइड। अगर ये याद रह जाए आइसोथायोसाइनेट और EDTA-4, इसके अलावा सब वीक है। सही है, ये जो आपको लिखा हुआ है सामने, ये आप सबसे पहला काम करना जब ये वीडियो देखें इसका स्क्रीनशॉट लेकर आपकी स्टडी टेबल पर कहीं लिख लेना लिगेंड का ऑर्डर, फील्ड स्ट्रेंथ का, क्योंकि ट्वेल्थ में तो काम चल जाएगा बट जब आप कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन फेस करोगे उस समय आपको एक एक याद होना चाहिए सिक्वेंस के साथ। सही है, तो आज के लिए इतना ही, और वीडियो लेक्चर टाइम से देखिए, ये चैप्टर मजेदार चैप्टर है, ये बढ़िया चैप्टर है, आगे ऑर्गेनिक आएगी और मजा आने वाला है आगे चैप्टर से, रक्टोलॉजी नहीं आएगी अब चैप्टर से, वो मजा आएगा। सही है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।